अच्छा अफरीदी साहब को अगर आप गौर से देखें ना, शायर तो बड़े कमाल के हैं ही, ऐसा लग रहा है आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए होंगे ये। मुजफ्फरपुर के एसपी लगते हैं आप कभी, आपने सैलरी आप देखो। सर अफरीदी साहब, शुरू से ही आप शायर बनना चाहते थे या कभी बैंक वैंक का एग्जाम भी दिया आपने? आपकी पर्सनैलिटी मतलब कमाल की है कपिल भाई। कोई भी आर्टिस्ट होता है वो पैदाइशी होता है। बिल्कुल, लाइक यू। इससे बड़ा मिसाल क्या दूं मैं आप? जी सर। अब आप है, आपको कुदरत ने बना के भेजा है, जाओ दुनिया को हंसाओ। तो इसी तरह मेरा है कि मैं अपने तारुफ में शेर कहता हूँ, मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। वाह। मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है, कोई उस्ताद था मेरा ना कोई गॉडफादर है। अफरीदी साहब की एक बड़ी शराब के ऊपर फेमस शायरी है कि ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया। सर टीवी पे सामान तो नहीं मंगवा सकते लेकिन आज तो कर ही सकते। ये बहुत फैक्ट है, आदमी जब गुनाह करता है ना तो वो कृष्ण बिहारी नूर साहब का मुझे एक शेर याद आता है, जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें। आए, आए। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। मैंने शेर कहा कि ये कह के बस हराम है, ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया। ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया, जमीर ने गुनाह का मजा खराब कर दिया। क्या बात है। तो अच्छा हमारे पास अब जैसे ये फिल्मों वाले बैठे हैं तो हमारे पास तो कुछ है नहीं साहब, लेकिन हमारे मुशायरों में वो बड़ी अजीब अजीब हालात होते हैं। तो एक मुशायरे की बात मुझे याद आ रही है। तो एक मुशायरा था और उसकी खूबी ये थी कि उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, मतलब उसे जो कन्वीनर थे ऑर्गेनाइजर थे वो बाहुबली थे। अच्छा। तो अध्यक्षता भी वही कर रहे थे और जितने वहाँ वो ऑडियंस थी वो ऑडियंस सब उनके जो वो थे अंगरक्षक। हाँ। सबके हाथ में गन। हाँ। ये माहौल बना हुआ है वहाँ और शायर पीछे ऐसे बैठे हुए हैं दड़े हुए बिल्कुल के गलती ना हो। अब वो साहब खैर मुशायरा शुरू हुआ, एक शायर पढ़ा दूसरा शायर, मुशायरा ऊंचाई पर जब चला तो उधर से वो शायर घबरा गए। वो किसी बाहुबली ने कहा नहीं दाद दे रहे हैं वो पढ़िए आप। एक हुआ तो ऐसे एक और किस्सा मुझे याद आया, एक मुशायरा इंटीरियर प्रतापगढ़ खुद इंटीरियर और उसका भी इंटीरियर था एक। अच्छा जी। तो हमें बुलाया गया कि साहब वहाँ पहुँच जाइएगा आप, वहाँ से आपको गाड़ी ले लेगी। हम वहाँ पहुँच गए, बंदा खड़ा मिला, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। मना गाड़ी ये रही, एक बाइक खड़ी है वहाँ पर सूटकेस हमारे हाथ में। ओह माय गॉड। बाइक पे बैठ गए। अब बाइक पे जो बैठे दोनों फुटरेस्ट गायब उसके। फुटरेस्ट भी नहीं और सूटकेस हमारे हाथ में। कैसे? और वो शायद पहले कहीं शायद मौत के कुएं में चलाता होगा बाइक। उसने जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है उस ऊपर से तुर्रा ये कि वहां सड़क नहीं थी। मैंने कहा भाई थोड़ा आहिस्ता चला लो। हाँ। साहब देर हो जाएगी। मैंने कहा फिर कोई शॉर्टकट देख लो। जी हो सकता है। उसने फौरन एक खेत में उतार दी मोटरसाइकिल। इस तरह करके खैर वो बहुत देर बाद एक सड़क सी नजर आई, एक बस सी नजर आई। उसने जाके एक नर्सिंग होम था ऊपर, उसने वहां जाके बाइक रोकी, आइए। मैंने कहा शायद का कोई मरीज यहाँ भर्ती होगा, उसकी आयादत को जा रहा है। हाँ। मैं भी सूटकेस लेके ऊपर, वहां बेड पड़े हुए हैं, बोतलें लगी हुई हैं ग्लूकोज की। अच्छा। ये आपका है। ये आपका बेड है, इस पे आराम फरमाइए आप। इतने में वहां देखा दो तीन शायर और पड़े चादर ओढ़े हुए, अरे महेश्वर साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए। मैंने कहा भाई कोई, मैंने कहा कोई होटल वोटल? नहीं साहब होटल वोटल कुछ नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब ने स्पॉन्सर किया है हमें। ये भी होता है, रात को कोई आके आपको खून चढ़ा जाता। राज साहब शराबी यूनियन की तरफ से एक ऑल इंडिया शराबी यूनियन है जी, उसके चेयरमैन जो हैं वो अर्चना जी के कजन नहीं, हैं। वो कभी नहीं होगा। उनकी तरफ से एक फरमाइश है कि शराब के ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत एक गजल लिखी है। देखिए मैं वैसे शराब पीता नहीं हूँ तो मैं जरा, मैं यकीन है आप पे हूँ। जी मैं दूसरा कुछ सुना देता हूँ। शेर है कि मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ मेरा गम
मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता, और अगर हम साथ में मरते तो फिर ये ऐन मुमकिन था। तुझे मेरा पता चलता, मुझे तेरा पता चलता। बाप रे यार, मजा आ गया यार, आप लोग को देख के हृदय पुलकित हो गया, मजा आ गया। एवर ग्रीन हीरोइंस के लिए जोरदार तालियां। मौसमी चटर्जी जी और रीना हसोय जी, रीना रॉय जी, आज कोई नहीं रॉय, सब हसोय। मौसमी जी, क्या कर रही हैं आप यार? आपकी जो खड़े हुए हैं ना इधर से, उसको हाथ में ले लेके एक बार मुझे फील कर सकती हूँ? यस प्लीज। आइए तो। अरे रिमोट कंट्रोल, हम ऑपरेट होते हैं इससे। आपका दिखता है, बहुत लोग बहुत से ऐसे चलते हैं पर दिखता नहीं है। हम आपको बता रहे हैं ना, पीछे ना लोगों ने हमसे कह दिया था कि आज एंट्री लेने का जरूरत नहीं है। हाँ। ये मैनेज कर लेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सारा हंसी मजाक का बात चलता रहेगा मौसमी जी, लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देना है। प्लीज प्लीज। आप ना अपने हस्बैंड का जो फोन है ना, थोड़ा चेक किया कीजिए। क्यों? हमें लगता है कि हमारे पड़ोसन के साथ उनका कुछ चल रहा है। अच्छा है। तो आपको क्यों लगा चल रहा है भाई? बाबू नाम है ना। कोशिश कर रहा था, फेल हो गया। बाबू नाम है ना उनका? बाबू बहुत है, बच्चे होते हैं भी बाबू बोलते हैं, मेकअप मैन को भी बाबू बोलते हैं। भाई हमने तो अपनी पड़ोसन को फोन पे बोलते हुए सुना, मेरे बाबू ने ताना ताया। उसका मतलब वो छोटा था। नहीं नहीं, ये कोई और ही बाबू है, हम खाली बोल। आपको कैसे मालूम? अरे लड़कियां जिसको प्यार करती है उसको प्यार से बाबू बोलती है, वो थोड़ी ना उनके पति को फोन कर रही थी। प्यार से बाबू बोलते हैं? हाँ तो तभी हम सोच रहे हैं कि अर्चना जी थोड़े दिन पहले क्यों कह रही थी मेरे 2000 का बाबू खो गया। आपको पता है ये पैसे से इतना प्यार करती है, अभी कुछ दिन पहले बैंक गई थी पैसे लेने। तो सारे जाते हैं, उसमें क्या है? हाँ लेकिन चार आदमी और दो बंदूक लेके तो नहीं जाते हैं ना। अर्चना जी हर चीज आप नहीं लूट सकती हैं, डिसाइड कर लीजिए। अच्छा। बैंक या सोनी? सोनी। सच में आपको बता रहा है मौसमी जी। हाँ। आप बंगाल से है ना? मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। हाँ ना, वो अच्छी बात है, लेकिन वैसे बंगाल से है आप तो, मतलब खूबसूरत जगह है, लेकिन हमको ना एक प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे। क्या? सब लोग एक दूसरे से ची 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 क्यों बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? की बोलची, ये बोलची, वो बोलची, हर चीज में ची। अरे तुम महाराष्ट्र में है तो आमची तुमची खमची नहीं होता है क्या इधर? यही होगा। वो तो है। के बोलची मतलब क्या कह रहे हो तुम, ये मतलब होता है उसका? सच में ये होता है। ये बात हमको समझ में नहीं आता है। एक बार हम वहां गए थे, सब लोग हमको भालू भालू क्यों बोल रहे थे, बोलते तुम्हें खूब भालो, तुम्हें खूब भालो। हाँ तो नहीं क्या हुआ कि भालू को भालो कैसे बोलेंगे? तुम्हें खूब भालो, तो भालू को बोलना पड़ेगा ना, मतलब भालो, भालो मतलब भालो, भालू भी भालो होता है। भालो मतलब तुम बहुत अच्छे हो, खूब भालो। अरे आपको क्या लगता है इसको नहीं मालूम? इसका चोटी ऐसा एंटीना जैसा है, इसको नहीं मालूम? सब मालूम है। तभी हम सोच रहे हैं, एक बार एक खूबसूरत लड़की ने हमसे कहा तुम भी खूब भालो, हमें बात समझ में नहीं। जरूर ना, हमको पता नहीं था कि तुम ही खूब भालो क्या होता है, हमें आया गुस्सा, हमने कह दिया तुम ही खूब बंदरिया। हमारे दोनों हावड़ा पर ऐसा फावड़ा मार के गई है वो। हावड़ा का फावड़ा मर गया? पता नहीं, जरूर बेवड़ा होगा। अरे यार, लेकिन वहाँ का खाना जो है ना, आगे डिस्कस करते हैं। खाना जो है ना वहाँ का बड़ा मजेदार होता है, माछर झोल होता है और अपना वो क्या, नींबू? नहीं नहीं, रसगुल्ला। तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? रसगुल्ला ऐसे थोड़ी होता है। हम निचोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने मीठा मना किया है ना, तो हम रस रस निकाल के गुल्ला गुल्ला खाते हैं। वो लगते ही हो, आपका कोई टिकला नहीं है ना।
चलता रहता है। अरे बाप रे, लेकिन वो 70s 80s का दौर था। क्या फिल्में, क्या गाने। तभी देखिए अभी भी हम धोती में घूम रहे हैं, मतलब पैंट में क्या रखा है। पैंट तुम्हें आती नहीं, नहीं तो पहन तो तुम भी लेते। शर्मा जी, आपको कुछ देना चाहते हैं, लाए थे आपके लिए। मिल नहीं रहा है, धोती में लाया ना मैंने। अच्छा अच्छा, बाहर पड़ा है, बाहर जाके ले लीजिए। तो जेब में हाथ क्यों डाल रहे थे? मैंने वो तो हमको खुजली करनी थी इसलिए डाला था। ये खाली भालू नहीं है, भालू का बीमारी भी लेके आया। नहीं, थोड़ा बहाना बनाना पड़ता है, लेकिन कोई पकड़ लेगा यार। जैसे देखिए अभी आपको पता चल रहा है हम खुजली कर रहे हैं। दिख रहा है ना, तुम शोल्डर खुजा रहे हो। ये तो बहाना है, खुजली मेन यहाँ पे हो रहा है। उसी ऐसा चल रहा है आज। तो जहाँ मौका मिलता है अपनी बात बोलकर निकल ले। एक सेकंड का पॉज नहीं देने का। खैरो, ये कैमरे कर रहा है, कभी इधर तो कभी इधर, तो करने दो ना, मजे में लोग देख रहे हैं। तो कहावत आपने सुनी होगी, खुजाइए खुजाइए, किधर किधर खुजाता है। अरे आगे बढ़ते हैं। बस बस बस, और खुजली नहीं हो रहा। ओके, हाँ बच्चा, करने क्या है तू इधर? हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ सब भुला दिया है इन्होंने। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.